जंगलों में खेलने में बिता देती थी शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग एंड वेदर सेंग और डिस्कसिंग समथिंग उसको बातचीत करना बहुत पसंद था और या तो उसे डिस्कस करना उस किसी भी टॉपिक पे बहुत पसंद था वुड ऑलवेज हैव द लास्ट वर्ड चाहे वो कोई भी शब्द होता था गॉडे सेरा वॉज सर्चिंग फॉर हर हजबेंड इन द फॉरेस्ट वेन शी वॉज स्टॉप्ड बाई इको हु केप्ट टॉकिंग टू हर एंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लिविंग गोडे सेरा अपने लिए हस्बैंड की सर्च में फॉरेस्ट में घूम रही थी जब उन्होंने इको को रास्ते में मिली और वो बातचीत करने लगी जिससे वो उनको रास्ता रुक गया और वो रुक गई थोड़ी देर के लिए इन स्टेट ऑफ एंगर हेरा कर्ज इको एंड सेट और इस तरह वो बहुत गुस्सा हेरा बहुत गुस्सा हो गई और हेरा ने इको को श्राप दे दिया और कहा यू शैल नॉट बी एबल टू यूज़ योर टंग विच यू हैव मेड लेट कि तुम अपने टंग को ठीक से यूज नहीं कर पाओगी क्योंकि तुमने मुझे लेट कर दिया हाउवेर यू शल स्टिल हैव द लास्ट वर्ड बट नो पावर टू स्पीक फर्स्ट भले यह तुम्हारा लास्ट वर्ड हो लेकिन इसमें पहला शब्द कोई भी जो होगा वो पावर इसमें कोई भी शब्द मारे शब्द में पावर नहीं होगा नाइस द सन ऑफ ग्रीक रिवर गॉड वॉज वेरी हैंडसम बट प्राउड नाइस एक ग्रीक रिवर गॉड के बेटे थे और बहुत ज़्यादा हैंडसम थे और उनको अपने ऊपर बहुत प्राउड था बहुत गर्व था मेनी वुमेन फेल इन लव विद हिम बट ही हैड नो टाइम फॉर देम एंड रिफ्यूज ईच अदर बहुत सारी औरतें उनको प्यार करती थी बट वो उनके पास समय नहीं था और वो सभी को मन इनकार कर देते थे तो मना कर देते थे वन डे इन द गुड इको सात द गुड लुकिंग नइस एंड एट वंस फेल इन लव विद हिम एक दिन जंगलों में इको ने अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व वाले नइसस को देखा और तुरंत उसके प्यार में पड़ गई उसको पसंद करने लगी बट वे मेट हिम लेकिन जब वह उससे मिली ही अवॉइडेड हर जस्ट लाइक उसने uh, इको को अवॉइड uh, किया उसको uh, मतलब उसमें ध्यान नहीं दिया ही रिफ्यूज द अदर निम्ब और जैसा कि दूसरे निम्ब को वो इनकार करता था उसने उनको उसको भी इनकार कर दिया इको लिफ्ट हिम एंड वेन इन टू द वुड्स इको उसको छोड़ के चली गई जंगलों में फ्रॉम दैट टाइम शी लिव्ड इन केव्स एंड अमंग माउंटेन्स क्लिप और उस दिनों से वो गुफाओं में रहने लगी माउंटेन के क्लिप में रहने लगी शी स्टार्टेड टू लॉस शीन एंड फॉर्म और वो अपना धीरे धीरे शीन और फॉर्म खोने लगी हर बोन्स चेंज इन टू रॉक्स एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ थर और धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ जो थी रॉक्स में बदलने लगी और कुछ भी नहीं बचा था बट हर वॉइस लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ ही बची थी शी स्टिल रिप्लाइज टू एनीमन हु कॉल्स हर एंड कीप्स अप हर ओल्ड हैबिट ऑफ हैविंग द लास्ट वर्ड और वह उन वर्ड को रिप्लाई करती जब कोई उसको बुलाता था उसके लास्ट वर्ड तक उसको इको गूंजता था उसकी आवाज़ गूंजती थी उसके लास्ट तक वो वो बोलती रहती थी इन द मीन टाइम नईस अवॉइडेड ऑल द न्यू मेट इसी बीच नईस जो था वो सभी निम्स को अवॉइड करता जिनसे वो मिलता था वन डे अनिम अनेबल टू अट्रैक्ट एक दिन एक निम जो कि उसको अट्रैक्ट करने में अनेबल थी असमर्थ थी प्रे टू द गॉडेस ऑफ रिवेंज नैमसिस एंड सेड। उसने रिवेंज uh, के गॉडेस नैमसिस को प्रार्थना किया और कहा मे नैस समटाइम फॉलिंग कि कभी uh, क्या कभी नैस किसी से प्यार करेगा बट मे ही नॉट गेट एनी ऑफ लेकिन उसको उसका प्यार उसको वापस नहीं मिलेगा द गॉडेस ऑफ रिवेंज हर एंड ग्रांटेड हर प्रेयर तब गॉडेस रिवेंज के गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुनी निम की और उसके प्रेयर की को ग्रांट कर लिया एंड उसकी बात मान ली कि नैसेस को किसी से प्यार होगा लेकिन उसका प्यार उसको रिटर्न में वापस नहीं मिलेगा वन डे ने फाउंड क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड ऑफ वाटर एक दिन नैसस ने एक बहुत साफ सुथरा पॉन्ड पानी का पाया He went down to thirst, his thirst, और वह झुका के अपनी प्यास बुझाने के लिए. और फिर वह अपनी परछाई उस पानी में देखा. वह अपनी परछाई देख करके अपने खुद से प्यार करने लगा बट टू कई ब्यूटीफुल वाटर instead. और पानी के पीने के बजाय वो अपनी परछाई को देखकर प्यार करने लगा एंड at लुकिंग एट और घंटों तक उसे देखता रहा अपनी परछाई को ही tried to hold the image that he saw in the water और वो चाहता था वो परछाई को उस मतलब रिफ्लेक्शन को होल उसी में लठहरा रहे वो कभी मिटे ना जैसा कि उसने परछाई देखी थी as soon as he touched it जैसे ही उसने पानी को टच किया इधर रिफ्लेक्शन डिसअपीयर और उसका रिफ्लेक्शन था पानी में वो गायब हो गया naizas said to the reflection naizas ne रिफ्लेक्शन से कहा शेडोज परछाई से कहा आई लव यू मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ दीज वर्ड्स वर रिपीटेड बाय इको हु नियर बाय और ये वर्ड इको के द्वारा गूंजने लगे जो कि वहीं आसपास थी थी कुड नॉट स्टॉप लुकिंग एट द ब्यूटिफुल पर्सन ने अपनी परछाई को देखना कम नहीं किया वो उसको देखना छोड़ नहीं पा रहा था इट्स रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड अपनी जो उसकी शेडो परछाई में परछाई जो पानी में पड़ रही थी He even forgot about his need for food and water. और वह अपने पानी में परछाई देख के इतना डूब गया इतना सब कुछ भूल गया कि वो खाना खाना और पानी पीना सब कुछ भूल गया He kept lying by the side of the pond and finally died there. और वह वहीं पानी तालाब के किनारे लेटा रहा और वो लेटे लेटे अंत में वहीं पर मर गया His body disappeared and it's places. और उसके बॉडी जो था वहाँ पर से गैप हो गया एंड इट्स उस प्लेस जगह से एंड इट्स अ सेम फॉर गिर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर और उस जगह पर एक सुंदर फ्लावर सुंदर सा फूल उगाया पर्पल विद इन इट्स सराउंडेड विद द वाइट पेटल्स जो कि पर्पल कलर का फ्लावर था और उसके वाइट कलर के पेटल थे उसकी पंखुड़ियां जो थी वाइट कलर की थी दिस फ्लावर गॉड द नेम ऑफ नाइस एंड प्रिजर्व हिज मेमोरी और इस फूल का नाम रखा गया जो उसकी याद में रह गया सो चिल्डन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल थैंक यू जय हिंद